तो कैता की सब्जी तो आपने कई तरीके से बनाए होंगे दोस्तों, पर आज हम बनाएंगे कैता के भरवा सब्जी जो कि मिनटों में बन के तैयार हो जाता है। तो आप लोग के यहाँ कैता को किस नाम से जानते हैं दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम लोग के यहाँ कैता के नाम से जानते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो हमने कैता को वॉश करके अच्छे से लंबे पीसेस में कट कर लिया, तो आप चाहे तो छोटा भी कर सकते हैं, पर ये लंबे पीसेस में कट कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि हम भरवा कैता बनाएंगे। तो अब हम एक तपेली लेंगे और इसमें डालेंगे 1 कप पानी। पानी को गर्म होने देंगे, इसके बाद ऐड कर देंगे कैता को, ऊपर से नमक डाल देंगे और 3 से 4 मिनट के लिए कुक होने के लिए रहने देते हैं। और ये देखिए 3 से 4 मिनट हो गया और ये देखिए पक चुका है, मतलब थोड़ा पक चुका है दोस्तों। मतलब हमें इसे पूरे तरीके से नहीं पकाना है, मतलब थोड़ा पकाना है, क्योंकि फ्राई करेंगे ना तो पूरे तरीके से पक जाएगा। तो 3 से 4 मिनट के लिए ज़्यादा नहीं रखिएगा। तो चलिए हम इसके अंदर वाले बीज को निकाल लेते हैं, मतलब अंदर वाले पल्प है ना वो निकाल लेंगे। तो इस तरह से आप चम्मच से, इस तरह से पीछे वाले चम्मच के भाग से निकाल लीजिएगा। आप चाहे तो चाकू से भी निकाल सकते हैं, पर क्या होगा ना चाकू से ये थोड़ा पक गया है ना तो क्या होगा, टूट जाएगा। तो इसलिए आप एकदम हल्के हाथों से इसे निकालिएगा। और ये देखिए एकदम आराम से निकल जाता है। तो इस तरह से सारे कैते से निकाल लीजिएगा ये बीज को। तो देखिए बिल्कुल इस तरह से निकाल लेना है और ये बीज को फेंकिएगा नहीं दोस्तों, हम इसे पीस कर इसे हम यूज करेंगे मसाले में। तो चलिए हम सारे कैते से निकाल लेते हैं। और ये देखिए तो अब हम क्या करेंगे, ये बीज को और 2 बारीक कटा हुआ प्याज और लहसुन की कलियाँ को थोड़ा रोस्ट कर लेंगे 2 मिनट के लिए, और इसके बाद ग्राइंडर में पीस लेंगे। तो चलिए हम रोस्ट करके हमने पीस लिया है। तो अब हम एक कढ़ाई लेंगे और इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच तेल, जीरा, और जीरा को रोस्ट होने देंगे। इसके बाद सारे मसाले ऐड कर देंगे जो हमने पीस कर रखा था ना वो ऐड कर देंगे। और अब हम इसे मिक्स कर लेते हैं। इसके बाद थोड़ा मसाला और ऐड कर देते हैं, जो हमने गरम मसाला और लहसुन का पेस्ट हमने पीस कर रखा था ना वो ऐड कर देंगे। और अब हम इसे 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से भुनेंगे। तो ये मसाला जितना भुनाएगा ना दोस्तों इसका टेस्ट उतना ही बढ़ जाएगा। तो मसाले को अच्छे से भुनिएगा 3 से 4 मिनट के लिए। तो चलिए हम इसमें थोड़ा बेसिक मसाले डाल देते हैं। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे, धनिया पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी, और इसे डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 3 से 4 मिनट के लिए भून लेना है। और मीडियम फ्लेम पे ही भूनना है दोस्तों, क्योंकि मसाला जलना नहीं चाहिए। और ये देखिए तो इस तरह से मसाले को 3 से 4 मिनट हो गया है भूनते हुए। और ये देखिए मसाले थोड़ा लाल टाइप का हो गया है ना, मतलब कि थोड़ा कलर चेंज हो गया है। तो इसमें डाल देंगे हरी धनिया की पत्ती। और ये देखिए हमारा मसाला तैयार है। और इसे अच्छे से मिक्स करके हम एक कटोरी में निकाल लेंगे और अब हम भरवा कैता बनाना शुरू करेंगे। तो चलिए हम एक बॉल में हमने निकाल लिया है और अब हम भरवा कैता बनाना शुरू करेंगे। तो हम एक एक करके भरेंगे दोस्तों, अंदर फिलिंग्स डालेंगे। तो इस तरह से देखिए कोई भी चम्मच ले लेना है और इस तरह से अंदर डालना है। तो आप चाहे तो हाथों से भी डाल सकते हैं, पर यह गर्म गर्म है दोस्तों। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा फिलिंग्स अंदर डालना है। और ये देखिए तो इस तरह से ये भरवा कैता बन के तैयार हो जाएगा दोस्तों, जो खाने में इतना ज़्यादा चटपटा लगेगा ना क्या बताऊँ। तो देखिए एक हमने तैयार कर लिया और इस तरह से हमने सारे भरवा को भर लिया, मतलब कैते को भर लिया है। तो अब हम बनाना शुरू करते हैं। तो हमने कढ़ाई ले लिया और इसमें डाला है 1 बड़े चम्मच तेल। यहाँ पे ध्यान रखना है कि तेल ज़्यादा नहीं डालना है दोस्तों, नहीं तो क्या होगा अंदर वाला फिलिंग निकल जाएगा। तो इसलिए 1 बड़े चम्मच तेल डालना है और कढ़ाई में चारों तरफ फैला देना है। इसके बाद कैता को डालकर 2 मिनट के लिए कुक होने के लिए रहने देना है और 2 मिनट के बाद इसे पलट देना है। और फिर पलटने के बाद 2 मिनट के लिए ऐसा ही ढककर रहने देना है। और ये 2 से 3 मिनट के बाद इसे निकालिएगा, ये एकदम कलर चेंज हो जाएगा दोस्तों। और ये देखिए गोल्डन कलर का हो गया ना, मतलब ये हमारा भरवा कैता बनके तैयार है दोस्तों। तो चलिए इसे निकाल लेते हैं, मतलब 4 से 5 मिनट लगा है और ये तैयार हो गया है, तो है ना मज़ेदार। तो चलिए हम एक एक करके सारे भरवे कैते को निकाल लेते हैं। और ये देखिए कितना देखने में ही टेस्टी लग रहा है। तो आप इसे रोटी, पराठे, दाल, चावल किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं दोस्तों, मेहमान तारीफ ही करते रह जाएंगे। तो एक बार घर पर बनाना तो बनता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगता है ना तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।